बादब बामुलाहिजा होशियार, राजाओं के राजा, जापनाओं के जापना, महाराजाओं के महाराजा पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। आज आप लोग हमें बताइए, वो कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कोई बात नहीं, लाएंगे लाएंगे हम एक दिन ऐसा सवाल भी लाएंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। जापना, वैसे आजकल आपके मिजाज बहुत सुहाने सुहाने से लग रहे हैं। जब से रानी साहिबा मायके गई है तभी से ऐसा लग रहा है जैसे मौसम सुहाना हो गया है, हवाओं में संगीत घुल गया है, पक्षी आसमान में आजादी के गीत गा रहे हैं और हम हवाओं में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं और दूर कहीं से एक मधुर सी आवाज आ रही है। जापना अनर्थ हो गया। जापना पहना वापस आ गई है। रानी साहब वापस आ गई? जी जापना। इसी मनुष्य खबर आप ही हमें दे सकते हैं। अरे ये ऊपर वाला हमें कभी खुश देख क्यों नहीं सकता? और वैसे भी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, जो कुछ हुआ है हमारे साथ हुआ है, आप ऐसे छटपटा क्यों रहे हैं? बहुत बुरी खबर है जापना। क्या? जिस रथ से बहना मायके से महल की ओर आ रही थी वो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या? हाँ जापना, रानी साहब बेहोश है, उनको शयन कक्ष तक पहुंचा दिया गया है। हमारी मौसी जी भी आई हुई है, हकीम जी भी आ गए हैं, जल्दी चलिए, वक्त बहुत कम है। रानी साहिबा के पास वक्त कम है? नहीं, हकीम जी के पास वक्त बहुत कम है, वो दिल के मरीज हैं, वो अपनी दवा लाना भी भूल गए हैं। जल्दी चलिए जापना, जल्दी चलिए। चलिए चलिए, आइए आइए। रानी साहिबा की याददाश्त को वापस आने में कितना वक्त लगेगा? एक दिन? बस एक महीना? एक साल? अरे वाह। नहीं नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त कभी वापस आए ही नहीं। नहीं, हमारे ख्याल से रानी साहिबा को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। हाँ, इनको अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे याददाश्त गई है ना इनकी? रानी साहिबा, आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। अरे अरे, हम तो मजाक कर रहे थे, ये चलिए चलिए चलिए, इनको लेकर चलिए बाहर। के पत्ते गए, हम मजाक कर रहे थे हम। आइए आइए। कैसी रही? वाह मौसी, वाह छोटी मौसी, क्या कमाल का अभिनय किया आपने। अरे अभिनय हमने क्या किया, अभिनय तुमने किया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं, ये कौन सी जगह है, कौन पति, कौन बेटा, कौन भाई, और यहाँ तो यहाँ कौन मौसी। अरे अब तुम्हारा नाटक इतना जबरदस्त रहा कि सबको आश्वासन हो गया है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। अब मौसी, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब हम बस जानना चाहते हैं कि हमारे पति के दिल में और बाकी सबके दिल में हमारे बारे में क्या चल रहा है। देखती जाओ मेरी नाजुक कली, आगे आगे क्या होता है। तुम्हारी मौसी का छोड़ा हुआ तीर है, चूकेगा नहीं। बस तुम ये नाटक जारी रखो और सबको भरोसा दिलाओ कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, और टटोलो अपने पति के दिल को, पता तो चले तुम्हारी याददाश्त जाने से वो क्या फायदा उठाते और क्या नहीं, और बाकी सब क्या सोचते है। इसी बात पे मेरी बनो खीरा खा। नहीं नहीं, आप खाओ। वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत हार है ये कुमालिका। उर्वशी। ओह उर्वशी, मौसी हम तो भूल ही गए, उर्वशी। हाँ बहुत खूबसूरत है, क्या ये हमारा है? छोड़िए। नहीं रानी साहिबा, हार नहीं,
बार बार ये पूछना छोड़िए क्या ये हमारा है, क्या ये हमारा है। अरे यहाँ पर जो कुछ भी है ना वो सब कुछ आपका ही है। ये कमरा आपका है, ये जेवर आपके हैं, ये महल आपका है, यहाँ तक कि हम भी आपके ही हैं। मौसी सुनिए सुनिए, ये रुदुम्बा भी हमारी है। उर्वशी उर्वशी, हम तो भूल ही गए उर्वशी। छोड़िए, अब क्या छोड़े। अरे यूं हैरान होना छोड़िए, क्या हम आपसे झूठ बोलेंगे रानी साहिबा। पता है जब से आपकी याददाश्त गई है ना आप सब कुछ भूल चुकी हैं। कम से कम इतना तो याद रखती कि आप हमसे कितना प्यार कितना स्नेह करती हैं। हम आपसे स्नेह करती थी जगदम्बा। उर्वशी उर्वशी, मौसी देखिए याददाश्त चली गई। उर्वशी आपको पता है कुछ दिन पहले जहाँ पना ने आपको बुलाकर ये कहा था, देखिए रानी साहिबा देखिए हमारी राज नर्तकी उर्वशी कितना अच्छा नृत्य करती है, कितनी प्रतिभाशाली है, हमारे इस दरबार की शान है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इस प्रतिभा को मोतियों में तोलना चाहिए, सोने के सिक्कों में तोलना चाहिए। और तब तो जहाँ पना के सामने आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें 5 जरी वाली साड़ियाँ, 2 हीरो का हार, दोनों हाथों के लिए सोने के कंगन और 2 बड़ी बड़ी अंगूठियाँ देंगी। हमने वादा किया था। हाँ, और आपने तो ये तक कहा था कि अरे ये उर्वशी सिर्फ राज दरबार की शान नहीं बल्कि हमारी छोटी बहन जैसी है। अच्छा, हमने ऐसा भी कहा था। हाँ, और आपने तो ये भी कहा था कि मायके से आने के बाद आप हमें ये सब बनवा देंगी, लेकिन अब क्या फायदा, आप तो सब कुछ भूल चुकी हैं। नहीं, याददाश्त खोने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने वादे से मुकर जाएंगे। हम वो सारी चीजें बनवाएंगे जिसका हमने वादा किया है। सच? हाँ हाँ दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जो है। छोटी बहन? बड़ी बहन, आप हमसे कितनी बड़ी दिखती हो। ठीक है, बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना? जरूर जरूर, वो सब बनवा के देंगे। आइए गले लग जाइए हमारे। माफी माफी। हाँ, थोड़ा ज्यादा प्यार आ गया तुम पर। छोड़िए, हम चलते हैं। संभल के चंद्रमुखी। उर्वशी। हाँ याद आया, उर्वशी। हाय हाय, क्या तुमने सच में ये छोड़ी की बच्ची को ये जेवर और साड़ियां देने का वादा किया और देने वाली हो क्या तुम इन्हें? फिर रखा। ओहो मौसी, ये तो हमारी याददाश्त जाने का फायदा उठा रही थी। हम थोड़ी ना ये सारी चीजें देने वाले हैं इसको। हमने भी ऐसे कस के पकड़ा, टेढ़ी मेढ़ी कमर के साथ आप नाचेगी। वाह मेरी नन्ही परी, अब आगे आगे देख, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ करना है तुझे। अब इसी बात पे खीरा खा। क्या खीरा खा, खीरा खा, आप ही खाइए, सोना सस्ता है। जौहरी हैं आप? बिल्कुल सही फरमाया आपने, जौहरी हैं हम। जेवर बनाने का काम है हमारा, बाके लाल नाम है हमारा, सोना सस्ता है। तो बाके लाल जी बताइए, क्या राजमहल में कैसे आना? वो दरअसल मायके जाने से पहले रानी साहिबा ने ये हीरो का हार बनाने को दिया था, इसकी नक्काशी भी उन्हीं की दी हुई है, सोना सस्ता है। अच्छा जरा दिखाइए हार। ये देख। वाह 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 वाह, बड़ा ही खूबसूरत हार और कमाल की कारीगरी आप। जी शुक्रिया। और इस हार की कीमत सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिसकी कीमत उन्होंने पहले ही अदा कर दी है। अब जब हीरो का हार तैयार हो गया तो हमने सोचा कि खुद ही पहुंचा है, वैसे कहाँ मिलेंगी वो, सोना सस्ता है। बाकेलाल जी आपको हमारा एक काम करना होगा, ये हार रानी साहिबा तक कब और कैसे पहुंचाना है ये हम आपको बताएंगे, और इस हार में आपको कुछ तब्दीलियां भी करनी होंगी, हम आपको बताते हैं। जैसा आप कहें राजा बीरबल, सोना सस्ता है। रानी साहब आप करते रहिए याददाश्त जाने का नाटक, आपके इस नाटक से कब और कैसे पर्दा उठाना है इसका इंतजाम हमने कर लिया, सोना सस्ता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।